हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी नाचो चिप्स और साल्सा की है। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। नाचो चिप्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मक्के का आटा। मक्के के आटे में अच्छी बाइंडिंग लाने के लिए हम 1/2 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1/2 छोटा चम्मच ही हम ऐड करेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब चिप्स को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 छोटे चम्मच ऑयल ऐड करना है और पूरी सामग्री को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम पानी ऐड करके डो तैयार करेंगे। डो तैयार करते समय ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही डो तैयार करना है। चिप्स बनाने के लिए स्मूथ और मीडियम सख्त कंसिस्टेंसी का डो तैयार हो चुका है। अब इस डो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके बाद में हम इसकी एक बड़ी लोई बनाकर तैयार करेंगे। रोलिंग बोर्ड को सूखे आटे से थोड़ा सा डस्ट करना है। लोई को हाथ से एक बार प्रेस करने के बाद इस पर सूखा आटा स्प्रिंकल करना है और अब हम चिप्स बनाने के लिए शीट बनाकर तैयार करेंगे। नाचो चिप्स बनाने के लिए हमने पतली शीट बनाकर तैयार कर ली है और इस शीट की मोटाई करीब 1/4 सेंटीमीटर है। अब इस शीट के चारों कॉर्नर्स को कट करके इसे हमें स्क्वायर शेप देनी है। कट किए गए किनारों को इकट्ठा करके हमें रख देना है। इससे भी हमें बाद में नाचो चिप्स बनाकर तैयार करने हैं। अब एक फॉक की हेल्प से पूरी शीट को अच्छी तरह से प्रेक करना है। शीट को प्रेक करने से जब आप चिप्स को फ्राई करेंगे तो चिप्स फूलेंगे नहीं और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। पूरी शीट को अच्छी तरह से प्रेक करने के बाद अब एक ब्रेड कटर की हेल्प से हमें चिप्स कट करने हैं। आप चाहें तो नाइफ से भी चिप्स कट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से चिप्स को कट किया जा सकता है। तो ये हमारे चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिप्स। चिप्स को फ्राई करते समय भी हीट को हमें मीडियम ही रखना है। चिप्स को कभी भी लो हीट पर फ्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि लो हीट पर चिप्स ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसे हाई हीट पर भी फ्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि हाई हीट पर इनका कलर तुरंत ही चेंज हो जाएगा लेकिन चिप्स अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। चिप्स बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। चिप्स को स्ट्रेनर में ट्रांसफर करने के बाद कुछ सेकेंड के लिए चिप्स को इसी तरह से कढ़ाई पर रोकना है ताकि चिप्स का एक्स्ट्रा ऑयल स्ट्रेन हो सके। बहुत ही क्रिस्पी चिप्स फ्राई हो चुके हैं। अब इसी प्रोसेस से हम बाकी के चिप्स भी फ्राई करेंगे। साल्सा बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 छोटे साइज के टमाटर और 4 लहसुन की कलियां ली हैं। 1 छोटे साइज का हमने लिया है प्याज। इन सभी चीज़ों को रोस्ट करना है लेकिन रोस्ट करने से पहले टमाटर को हम प्लस के निशान में कट करेंगे। इस तरह से प्लस के निशान में कट करने से रोस्ट करने के बाद टमाटर का छिलका बहुत ही इजीली हट जाता है। सभी टमाटर को हमने प्लस के निशान में कट कर लिया है। प्याज को भी अच्छी तरह से रोस्ट करने के लिए इसके हम सभी लेयर्स को अलग करेंगे। एक तवे को हमने लो मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। अब टमाटर, लहसुन और प्याज, इन सभी चीज़ों को हमें तवे पर प्लेस करना है। अब लो मीडियम हीट पर ही हमें इन सभी चीज़ों को रोस्ट करना है। करीब 1 मिनट के बाद प्याज की लेयर्स और लहसुन इन दोनों को ही फ्लिप कर देना है। टमाटर को रोस्ट करने में समय ज़्यादा लगता है इसीलिए टमाटर को अभी हम फ्लिप नहीं करेंगे। 2 मिनट में प्याज और लहसुन रोस्ट हो चुके हैं। करीब 2 मिनट में ही प्याज और लहसुन का कच्चापन पूरी तरह से दूर हो जाता है। अब टमाटर को फ्लिप करके इसे चेक कर लेते हैं। टमाटर की एक साइड अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब टमाटर को थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसी तरह से फ्लिप करते हुए तब तक रोस्ट करना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। करीब 5 मिनट में टमाटर दोनों साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम टमाटर के छिलके को इस तरह से हटा देंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं तो इसका छिलका बहुत ही इजीली हट जाता है। टमाटर, प्याज और लहसुन सभी को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन को ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच लेमन जूस। साथ में 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। अब सभी चीज़ों को लो स्पीड पर सिर्फ 4 से 5 सेकेंड ही ब्लेंड करना है। साल्सा रेडी हो चुका है। इसे अब नाचो चिप्स के साथ सर्व कर लेते हैं। नाचो चिप्स को आप एक बार बनाकर 15 दिन के लिए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं।